नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे TGT हो, PGT, UPPCS स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस, चाहे IFCO, FCI या एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो फलों की खेती, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम फलों की खेती से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और जो पूछने की संभावना है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है, किसके द्वारा कम किया जा सकता है? मल्चिंग के द्वारा या इंटरक्रॉपिंग के द्वारा, सिंचाई के द्वारा या सघन रोपण द्वारा? तो फलदार वृक्षों को पाले से बचाने के लिए हम उसमें सिंचाई करेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिंचाई के द्वारा हम पाला जो है उसको हम कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी आम की नियमित फलन वाली प्रजाति है? कौन सी बताना है इसमें वैरायटी है जो रेगुलर फलन वाली वैरायटी है? चौसा है, लंगड़ा है, आम्रपाली है या अल्फांसो है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आम्रपाली, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आम्रपाली को 2 × 2.5 × 2.5 मीटर पर लगाते हैं, ठीक है। 2.5 × 2.5 मीटर पर लगाया जाता है और ये आम की सबसे बौनी प्रजाति होती है। 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। 2.5 × 2.5 मीटर पर अगर पौधे लगाएंगे तो 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लग जाएंगे। ये सबसे बौनी प्रजाति, इसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। अगर उत्पादन की बात करें तो 1 हेक्टेयर में कम से कम 16 टन उत्पादन मिल जाता है, 16 टन उत्पादन 1 हेक्टेयर में मिल जाता है आम्रपाली के द्वारा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा फल है जिसके एम्ब्रियो में डारमेंसी पाई जाती है? लीची है, बेर है या बेल, आंवला? तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंवला, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंवला के अंदर डारमेंसी पाई जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें भ्रूण निद्रा यानी कि एम्ब्रियो डारमेंसी पाई जाती है, जिसके कारण इनमें नए पौधे का जन्म बहुत देरी से होता है, जिसका प्रमुख कारण है इसमें उपस्थित अधिक मात्रा में विटामिन सी, ठीक है। इसी के कारण डारमेंसी, एम्ब्रियो डारमेंसी पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा, आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फ्लेवर को, ठीक है, प्रोसेसिंग के समय भी बनाए रखती हैं, ठीक है। आपको बताना है आम की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो अपनी विशेष फ्लेवर को प्रोसेसिंग के समय भी बनाए रखती है? दशहरी है, मलिका है, अल्फांसो है या ये सभी हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अल्फांसो, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्फांसो सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली आम की वैरायटी है और इसके अंदर एक समस्या पाई जाती है, स्पॉन्जी टिशू की, ठीक है। स्पॉन्जी टिशू सबसे ज़्यादा नुकसान अल्फांसो वैरायटी को ही पहुँचाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर TA के एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, डोका तथा डैग किस फल के विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है। डोका और डैग बताना है किस फल विकास की अवस्थाएं हैं? फालसा की हैं, चीकू की हैं, खजूर की हैं या नारियल की हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खजूर की ये अवस्थाएं हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तीनों अवस्थाएं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे डोका और डेग खजूर यानी कि डेट पल्म फल वृक्षों की अवस्थाएं हैं। इनकी 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। पहली होती है गेंडोरा अवस्था, फल विकास की पूर्व की अवस्था होती है। फिर उसके बाद डोका अवस्था, फल विकास की शुरुआती अवस्था होती है। डैग अवस्था फल विकास की अंतिम अवस्था होती है। इसमें से अंतिम, शुरुआती और पूर्व की अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में। TA के एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे डोका अवस्था फल तुड़ाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। पूछेगा खजूर में कौन सी अवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है तुड़ाई के लिए, तो आपको बताना है डोका अवस्था, ठीक है, फल तुड़ाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा और कंचन प्रजातियाँ बताना किसकी है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार पूछा है, यूपी टीजीटी 2021 में, यूपी यूपीए एलडीए 2002 में, यूपी पीसीएस 2001 में, बहुत बार एग्जाम पूछता है कि कृष्णा और कंचन किसकी प्रजातियाँ हैं, आम की हैं, आंवला की है, अमरूद की है या बैर की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, आंवला की वैरायटियाँ हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। आंवला की और भी कुछ वैरायटियाँ हैं, उनको भी आप याद करेंगे। जैसे आंवला की प्रमुख वैरायटियाँ जैसे वाराणसी, एन ए नरेंद्र आंवला, 7 कृष्णा, कंचन, चकैया या बी एस आर 1, ठीक है। ये सब ऐसी वैरायटियाँ हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा है बर्लेट एक प्रजाति है, बताना किसकी है, सेब की है, नाशपाती की है, क्विंस की है या आलू बुखारा की है। तो यहाँ पर पियर की वैरायटी हो जाएगी, नाशपाती की वैरायटी है बर्लेट, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सेब का अधिक वृद्धि वाला मूल वृंत कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है सेब का अधिक वृद्धि वाला मूल वृंत कौन सा है, M27, M7, M25, M9। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, M25 जो है सेब की अधिक वृद्धि वाला मूल वृंत है, M25 जो अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, जिसके कारण पौधों में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट बॉल एक प्रसिद्ध वैरायटी है किसकी, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है क्रिकेट बॉल, अमरूद की है, लीची की है, सपोटा की है या नींबू की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सपोटा की वैरायटी है क्रिकेट बॉल, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी वैरायटियाँ हैं सपोटा की, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे वैरायटियाँ कुछ हैं, आप लोग देखेंगे सपोटा की कुछ वैरायटियाँ, जैसे आपको याद रखना क्रिकेट बॉल, काली पत्ती, ठीक है, कलकत्ता, उसके बाद दीवानी, ठीक है, मुरब्बा पूछता है बहुत बार एग्जाम में किसकी वैरायटियाँ हैं, तो ये सब सपोटा की वैरायटियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उमरान प्रजाति है, ठीक है, उमरान एक प्रकार की वैरायटी है, ये बताना किसकी वैरायटी है, बैर की है, आम की है, नींबू अमरूद की है या इनमें से कोई नहीं। तो उमरान एक प्रकार की जो वैरायटी है वो है बैर की, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी वैरायटियाँ आपको याद रखना है बैर की, उसको देखेंगे। जैसे भारत में जो प्रमुख रूप से बैर की प्रजातियाँ हैं उनमें पर जो प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे गोला, ठीक है, उमरान, बनारसी, मुंडिया, केथली, महरूम, पठानी, इलायची, सनम, ठीक है, ये सब वैरायटियाँ बैर की काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। 11 नंबर क्वेश्चन, बैर के किरिंतन करते हैं, आपको बताना है जो प्रूनिंग है बैर में किस समय करते हैं, वर्षा काल में करते हैं, शीतकाल में, वसंत काल में या ग्रीष्म काल में। तो बैर में प्रूनिंग का समय जो सबसे अच्छा होता है वो होता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु सबसे अच्छा समय माना गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका महीना पूछे कौन से माह में करते हैं, तो ग्रीष्म काल के मार्च अप्रैल के मध्य में इसका प्रूनिंग का समय किया जाता है, और सबसे अच्छा समय मार्च ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व होता है, एक से कम होता है, एक के बराबर होता है, एक से अधिक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक से अधिक होता है, सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोला बताना है किस फल की बहुचर्चित किस्म है, पॉपुलर वैरायटी है गोला, बेल की है, बैर की है या तरबूज की है या आंवला की है। तो यहाँ पर जो वैरायटी हो जाएगी ये हो जाएगी बैर की हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर। गोला देखेंगे बैर की एक पर बहुत चर्चित किस्म है। बैर की अन्य प्रजातियाँ हैं जैसे गोला है, उमरान है, बनारसी है, कड़ाका है, उसके बाद केथली है, महरून है, परभनी है, इलायची है, सनम है, ये सब वैरायटियाँ आपको याद रखना है अगर एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों।
क्वेश्चन कह रहे हैं फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो फालसा का प्रोपोगेशन बताना है कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, कटिंग द्वारा करते हैं, सीड द्वारा करते हैं, ग्राफ्टिंग द्वारा या लेयरिंग द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाई सीड द्वारा किया जाता है। पपीता हो गया, फालसा हो गया, ये सब किसके द्वारा करते हैं, काफ़ी हो गया, जामुन हो गया। आपको याद रखना सीड द्वारा कौन कौन से करते हैं, पपीता, फालसा, काफ़ी, जामुन, ठीक है, ये सब सीड द्वारा किया जाता है। चलिए इसके प्रवर्धन की और भी कुछ, जैसे रनर्स द्वारा किसके कौन से फल में करते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यहाँ देखेंगे कि पपीता, फालसा, काफ़ी, जामुन, इन सब का प्रवर्धन प्रोपोगेशन बाय सीड द्वारा किया जाता है। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो इसका प्रवर्धन रनर द्वारा किया जाता है। पाइन एप्पल की बात करें तो सकर्स द्वारा किया जाता है। सपोटा, इनार्चिंग द्वारा। केला, स्वाड, सकर्स द्वारा, ठीक है, प्रोपोगेशन आप लोगों को याद हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फलों में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है, गैलेक्टोज होती है, फ्रुक्टोज होती है, सुक्रोज होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज, ठीक है, फलों के अंदर फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। फ्रुक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसेक्राइड शर्करा है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रुक्टोज जो पाई जाती है किस प्रकार की शर्करा है, तो मोनोसेक्राइड शर्करा है। इसका सूत्र पूछे तो C6H12O6, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह जल में क्या है, घुलनशील शर्करा है, और यह सबसे ज़्यादा सूखे हुए गूलर में पाई जाती है, फिग में पाई जाती है, गूलर के अंदर सूखे हुए जो गूलर होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है फिग में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केले में भूमि के ऊपरी वाले भाग को किस नाम से जानते हैं, सीडोस्टोम कहते हैं, राइजोम कहते हैं, सकर्स कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सीडोस्टोम, ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सीडोस्टोम के नाम से जानते हैं। यहाँ उसके बारे में कुछ और जानेंगे, जैसे केला जो होता है ये म्यूजेसी फैमिली का, ठीक है, फल है, और इसका तना जो होता है वो प्रकंद यानी कि भूमिगत होता है। भूमि के ऊपर रहने वाले तना पूर्ण वृंतों के समूह में बनता है, जिसे हम आभासी तना, ठीक है, आभासी तना, हिंदी में आभासी तना कहेंगे, या सीडोस्टोम के नाम से इसको जानते हैं। इसका जो पुष्पक्रम होता है वो स्पाइक होता है दोस्तों, ठीक है, किस प्रकार का इसका पुष्पक्रम होता है, स्पाइक होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मारोधी कवक संक्रमण जैसे फलों के प्रसंस्करण में, प्रोसेसिंग में विशेष एक मुख्य समस्या बन गया है, स्ट्रॉबेरी, आम, खट्टे फल या सेब। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे ऊष्मारोधी कवक संक्रमण मुख्यतः डिप्सोकार्पन एरलियाना नामक कवक स्ट्रॉबेरी फल के प्रोसेसिंग में या प्रसंस्करण में विशेषता एक मुख्य समस्या बन गया है, ठीक है। यह जो कवक होता है ये मई जून में अधिक देखने को मिलता है, यहाँ पे मंथ भी याद रखें, कौन से महीने में सबसे ज़्यादा अटैक करता है, तो मई जून के महीने में सबसे ज़्यादा अटैक करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है केले में जनन द्वारा होता है, ठीक है, आपको बताना बनाना में जो प्रोपोगेटेड किसके द्वारा किया जाता है, विनियर ग्राफ्टिंग, बीज द्वारा, या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, या उत्तक संवर्धन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मैंगो के अंदर किया जाता है, सीड द्वारा बता दिए हैं किसमें किया जाता है, तो सीड द्वारा पपीते में किया जाता है, ठीक है। विनियर ग्राफ्टिंग, इसका भी प्रयोग आम के अंदर ही किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनका हम प्रोपोगेशन अनेक विधियों द्वारा करते हैं, जैसे हम बात करें बनाना का, बनाना का टिशू कल्चर, अगर टिशू कल्चर ऑप्शन में नहीं है तो स्वाड सकर्स होगा, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन देखने, दोनों में से एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स का प्रवर्धन हम हार्डवुड कटिंग द्वारा किया जाता है। टी की बात करें, चाय की बात करें, चाय का सॉफ्टवुड कटिंग द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन रनर्स द्वारा किया जाता है। पाइन एप्पल की बात करें तो इसका प्रवर्धन सकर्स और स्लिप द्वारा किया जाता है। गुआवा की बात करें तो स्टूलिंग द्वारा या माउंट लेयरिंग द्वारा किया जाता है। बहुत बार यहाँ पूछा जाता है अमरूद का प्रवर्धन स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग, ये आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है
आम सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होता है? महाराष्ट्र में होता है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? तो बताइए आम सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम पैदा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। 20 नंबर कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। सहारनपुर का सफ़ेदा, बागपत का स्टोल, वाराणसी का लंगड़ा। ठीक है, ये वेराइटियाँ जो कि काफ़ी फेमस है। बागपत का पूछे तराटोल, सहारनपुर का सफ़ेदा, वाराणसी का पूछे तो लंगड़ा। ये आम हर जगह के अलग अलग किस्में लगाए जाते हैं जहाँ के फेमस है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 1 हेक्टेयर केला लगाने में कितनी पुत्तियों की आवश्यकता पड़ती है? 5000, 1000, 1500 या 2500? तो 1 हेक्टेयर अगर केला लगाना है तो कितनी पुत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2500 पुत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुत्तियों को हम सकर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर भूमि में केला लगाने के लिए 2500 सकर्स यानी कि पुत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। पुत्तियाँ जो होती हैं 3 माह की से अधिक पुरानी ना हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और इसको कितनी डिस्टेंस पर लगाते हैं? तो 2x2 मीटर के डिस्टेंस पर लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत होना चाहिए। काफ़ी इजी आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। 5%, 10%, 20% या 30%? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10% नर की आवश्यकता पड़ती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पपीता के नर पौधों में उर्वरक प्रयोग नहीं करना चाहिए। पपीता में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि जो है रिंग मेथड है। ठीक है, रिंग मेथड जिसको अंगूठी विधि कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है पपीते में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो रिंग मेथड आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दशहरी क्रास नीलम के संकरण से आम की कौन सी प्रजाति विकसित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि AGTE की एग्जाम की तैयारी हम इसी चैनल पे करवाते हैं। पर डे क्लास 8 बजे चलती है, तो क्लास को पूरा जरूर देखिए, यहीं से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। तो दशहरी क्रास नीलम, इन दोनों का संकरण बताना है, किसकी किसके बीच में संकरण करके कौन सी वैरायटी तैयार की गई? राम केला, मलिका, स्वर्णरेखा या आम्रपाली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली का क्रास क्या हो जाएगा? दशहरी इंटू नीलम, याद रखना है। यहाँ पर देखेंगे दशहरी जो है ये एक प्रकार का नर है, और यहाँ पर नीलम देखेंगे ये एक प्रकार की मादा यानी फीमेल है। इन दोनों के बीच में क्रास करके आम्रपाली निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पपीते के किस भाग से पपेने तैयार किया जाता है? तना से करते हैं, पके फलों से करते हैं, फूलों से करते हैं या कच्चे फलों से करते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि कच्चे फलों से पपेन को तैयार किया जाता है। जो कि पपेन का उपयोग क्या होता है? पपेन का उपयोग होता है औषधि बनाने में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है ये बताना है। आम का है, सेब का है या इसमें केला का है या अमरूद का है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि आम का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देख लेते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th कौन कौन से फल आते हैं। स्क्रीन पर ध्यान देंगे दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले फल, ठीक है, भारत की बात कर रहा ना कि पूरे विश्व की। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले फल कौन से हैं? तो आम हम बता दें, सबसे ज़्यादा आम का क्षेत्रफल है। दूसरे रैंक पूछे तो अगर ऑप्शन में मैंगो ना हो तो नींबू, तीसरे रैंक पे केला, चौथे रैंक पे सेब और पाँचवें पे अमरूद आता है। उसके बाद उत्पादन की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से फल का होता है? तो यहाँ देखेंगे केला 36%, 2nd पे आम, 3rd नंबर पे नींबू, 4th पे अमरूद, 5वें पे पपीता। तो ये रैंक आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा होती है? आपको बताना है विटामिन सी की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है।
संतरा में, सेब में, आम में, पपीता में। सब लोग जानते हैं विटामिन सी खट्टे फल जो होते हैं, सिट्रस वाले जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बात करें संतरा में विटामिन सी पाई जाती है, माल्टा में पाई जाती है, चकोतरा में, महानींबू में, लेमन में, नींबू में, खट्टी नारंगी या तुरंज मीठा नींबू, ये सब सिट्रस की प्रजातियाँ हैं, ठीक है। इन सब में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगर बात करें भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो नींबू वर्गीय फलों में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया जाता है, तो 50% उत्पादन केवल संतरा का किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। नींबू यहाँ पर देखेंगे विनियर ग्राफ्टिंग प्रचलित है गुलाब में, आम में, नींबू में या चमेली में। तो विनियर ग्राफ्टिंग काफ़ी फेमस ग्राफ्टिंग है, तो ये किया जाता है मैंगो के अंदर, ठीक है। किसमें किया जाता है दोस्तों, ये मैंगो के अंदर किया जाता है, आम के अंदर किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये कि कौन से महीने में करते हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मार्च से अगस्त तक विनियर ग्राफ्टिंग का सबसे अच्छा महीना माना जाता है, ठीक है। मार्च से अगस्त के बीच में दोनों के मतलब मार्च मिड मार्च में और अगस्त मध्य अगस्त, इन दोनों के बीच में विनियर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं आम के अंदर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आम की संकर प्रजाति बताना है, दशहरी है, आम्रपाली है, नीलम है या गोपाल भोग है। तो आम की संकर प्रजाति बताइए कौन सी इसमें से हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली। कितनी बार आ चुका है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्रॉस पूछे तो यहाँ पर जो नर है ये नीलम जो है दशहरी यहाँ पर नर हो जाएगा और नीलम जो है ये फीमेल हो जाएगा। दशहरी क्रॉस नीलम दोनों के बीच में क्रॉस करके आम्रपाली वैरायटी तैयार की गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है लीची के पौधे के जमने का उचित तरीका क्या है, बीज द्वारा, बडिंग द्वारा, एयर लेयरिंग द्वारा या विनियर ग्राफ्टिंग। विनियर ग्राफ्टिंग जहाँ मैंगो में करते हैं, ठीक है, एयर लेयरिंग लीची के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लीची ही पूछा था तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखेंगे गुटी कहते हैं इसको, गुटी या एयर लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर अनुसंधान केंद्र में लीची के उत्पादन का तरीका गुटी निकाला गया, ठीक है। ये कहाँ से निकाला गया, सहारनपुर अनुसंधान केंद्र लीची के उत्पादन के लिए गुटी का तरीका वहीं से निकाला गया है। इसमें क्या करते हैं, वले लेते हैं, वले जो रिंग होती है उसके ऊपर की जो छाल होती है उसको उतार कर वहाँ पर मॉस घास या पॉलीथीन कागज से टुकड़े वहाँ पर बांध दिया जाता है मिट्टी वगैरह डालकर। तो इस प्रकार से वहाँ से इसको वहाँ जड़ें निकल आती हैं, उसको काट कर अलग करके एक नया पौधा तैयार कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम के सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है, आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है जिसमें अधिक से अधिक पौधे हम लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी वैरायटियाँ हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लंगड़ा है, दशहरी है, आम्रपाली है या चौसा है। यहाँ पर पूछा गया था आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है। तो सघन बागवानी के लिए जानते ही हैं आम्रपाली का प्रयोग किया जाता है। इसकी दूरी कितनी रखते हैं, 2.5x2.5 रखा जाता है। कुल मिला के 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे हम लगा सकते हैं और बाकी जो सिंपल पौधे हैं उसमें हम 100 ही पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 10x10 की दूरी रखते हैं, इसमें 2.5x2.5 इस हिसाब से 100 पौधे लगेंगे, इसमें 2.5x1600 पौधे लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आम्रपाली, दशहरी और नीलम ये तीनों जो वैरायटियाँ हैं ये किसके लिए हैं, प्रोसेसिंग प्रसंस्करण के लिए, प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। तो यहाँ पर संकर किस्म प्रतिवर्ष फल देती हैं, जो संकर किस्म होती है प्रतिवर्ष फल देती हैं। पौधे बौने होने के कारण सघन बागवानी के लिए अधिक उपयुक्त हैं। ये जो आम्रपाली है बौने पौधे हैं, सबसे बौना पौधा मैंगो का है, तो ये पौधे बौने होने के कारण सघन बागवानी के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इसमें बात करेंगे आम्रपाली के अंदर घुलनशील ठोस पदार्थ कितना पाया जाता है, तो 22% पाया जाता है। चीनी की मात्रा कितनी पाई जाती है इसमें, तो यहाँ पर देखें घुलनशील पदार्थ 22% चीनी पाई जाती है और 17.2% कैरोटीन 100 ग्राम में पाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और 1683 मिलीग्राम विटामिन सी पाई जाती है 100 ग्राम में से और 35 मिलीग्राम पाई जाती है एसिड की मात्रा, ठीक है। तो और यहाँ पर चलिए देख लेते हैं और भी क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, सीडलेस वेरायटी बताना है मैंगो की। सिंधु है, आम्रपाली है, अर्का पुनीत है, नीलम है। तो सिंधु वेरायटी एक प्रकार की सीडलेस वेरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्रॉस पूछे इसका किसके किसके बीच में क्रॉस करके निकाला गया सिंधु वेरायटी, तो याद रखेंगे रत्ना क्रॉस अल्फांसो, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके सिंधु वेरायटी सीडलेस वेरायटी एक प्रकार की मैंगो की निकाली गई है। अगर आम्रपाली का क्रॉस पूछे तो दशहरी क्रॉस नीलम हो जाएगा। अर्का पुनीत का क्रॉस पूछे तो अल्फांसो क्रॉस बगनपल्ली हो जाएगा। ये दोनों ही क्रॉस याद रखेंगे, टीए एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूरी नाम चेरी निम्न में से किसके लिए मूलवृंत के रूप में प्रयुक्त होती है, मीठी चेरी, खट्टी चेरी, जामुन या नींबू, तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मीठी चीज स्वीट चेरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इस मूलवृंत का। सूरी नाम चेरी ये एक प्रकार का रूट स्टॉक है, ठीक है, मूलवृंत है, तो स्वीट चेरी में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अनार की जालोर बीज रहित, ठीक है, प्रजाति को किस राज्य में उगाने के लिए संतुप्त की गई है। तो जालोर सीडलेस वेराइटी जो है अनार की पोमोग्रेनेट की कौन से राज्यों के लिए सबसे अच्छी मानी गई है, बेहतरीन मानी गई है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो जालोर कहाँ है जानते हैं, जालोर राजस्थान का एक प्रकार का डिस्ट्रिक्ट है, तो राजस्थान क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे जालोर सीडलेस जो है अनार की वेरायटी ये राजस्थान में सूखा सहनशील प्रजाति है। गणेश की बात करेंगे ये भी अनार की वेरायटी है, कहाँ पर लगाई जाती है, महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए, ठीक है, आलंदी किस्म से ये चयन करके सिलेक्शन द्वारा निकाली गई है। गंधारी की बात करें ये हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी वैरायटी है, ठीक है, विदेशी किस्म है। उसके बाद डोलमा भी एक प्रकार की अनार की ही वैरायटी है, लेकिन कहाँ के लिए है, गुजरात के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। तो ये सब वैरायटियाँ आपको याद रखना है कौन सी वैरायटी कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत में अनार रोपने का उचित समय बताना है, ठीक है, उत्तरी भारत में अनार रोपने का उचित समय बताना कौन सा है, जनवरी है, फरवरी है, जुलाई है या अगस्त है। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जुलाई के महीने में इसका रोपण किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आम को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है, 500 मीटर से लेकर 600 मीटर, 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर, 1500 मीटर से लेकर 1750 मीटर या 1700 मीटर से अधिक। तो आपको बताना आम को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हम इसको 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक समुद्र तल की ऊंचाई तक हम उगा सकते हैं इसको। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आम को समुद्र तल से 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक ऊंचाई पर आसानी से हम उगा सकते हैं। आम के उत्पादन के लिए अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अधिकतम तापमान कितना 45 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्वोत्तम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, अच्छी वृद्धि विकास और फलन पुष्पन के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, अधिकतम की बात करें तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। निम्न युग्मकों को सुमेलित नहीं, इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है यहाँ पर, याद रखेंगे। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या मेलस पोमिलो होता है, राइट है। एप्रिकोट का क्या प्रूनस एरिनी एसी होता है, ये भी राइट है। एवोकाडा का पेरेसी अमेरिकाना होता है, ये भी ठीक है। आलमंड का एक्टिनिडिया डेलिसियोसा होता है, ये एकदम इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो यही डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बादाम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो प्रूनस एमीडीग्लेडेंस होता है, ठीक है, तो प्रूनस एमीग्लेंडस होता है, तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेब के फल सेट होते समय कम से कम तापमान होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेब के फल सेट होते समय कम से कम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 4.5 से लेकर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
यहाँ देख सकते हैं सेब ठंडी जलवायु का फसल है, इसके पौधों में पुष्प अप्रैल में आते हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि सेब में पुष्पन का समय बताना है, तो अप्रैल माह में पुष्पन का समय होता है। इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखेंगे कि वृद्धि के समय गर्मी में 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और फलों के लगते समय 4-4.5 से लेकर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहीं से बना था, फलों के लगते समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4.5 से लेकर 5.5 होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में निम्न में से किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस फल का उत्पादन पूछ रहा है यहाँ पर, सबसे अधिक होता है? आम का होता है, केला का होता है, नारियल का होता है, पपीता का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि केला का होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक फल उत्पादन में केला का प्रथम स्थान है, इसके पश्चात आम नींबू वर्गीय फलों का नंबर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आम उगाया जाता है। ठीक है, केले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है महाराष्ट्र राज्य में होता है, आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आम का पूछे उत्तर प्रदेश, केला पूछे महाराष्ट्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आम उगाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ 49 प्रजाति को किस अन्य नाम से जानते हैं? सरदार के नाम से जानते हैं, चित्तीदार के नाम से जानते हैं, हफ्सी के नाम से जानते हैं, या इनमें से कोई नहीं? जितनी वेराइटियाँ देख रहे हैं सब की सब किसकी वेराइटियाँ हैं? ये अमरूद की वेराइटियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा लखनऊ 49 प्रजाति को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरदार के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा पाई जाती है और यह कैंकर रोग और मलानी रोग दोनों के प्रति सहनशील है। ठीक है, अमरूद को गरीबों का सेब के नाम से भी जानते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो अमरूद पैदा होता है वो कहाँ पैदा होता है? वो उत्तर प्रदेश में पैदा होता है और उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फल मुख्यतः साधन है, फल बताना किसके साधन है? खनिज का है, विटामिन्स का है, कार्बोहाइड्रेट का, या इनमें से सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी का स्रोत माना जाता है फल। ठीक है, क्योंकि उसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, वसा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, ठीक है, के, सभी पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं फलों में। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे प्रोटीन की बात करें तो केला में, अमरूद में, अंगूर में, नाशपाती, बादाम, अखरोट, पिस्ता। वसा की बात करें तो बादाम, काजू, एवोकाडो, ठीक है, पिस्ता के अंदर कार्बोहाइड्रेट, मैंगो के अंदर अमरूद, सेब, केला, अनानास, अंगूर। ठीक है, इस प्रकार से सभी पोषक तत्व इसके अंदर फलों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाला नुकसानदायक है, आम के लिए, लीची के लिए, पपीते के लिए, या इनमें से सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाला जो है सभी फसलों को नुकसान पहुँचाता है, चाहे वो लीची की फसल हो, चाहे आम की फसल हो, चाहे पपीते की फसल हो। ठीक है, इन सबको ये नुकसान पहुँचाता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जैसे आलू को भी पाला काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, सरसों को भी, चना, मटर, ठीक है, इन सबको भी पाले काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, इन सब फसलों को भी। इसके साथ आम, लीची, पपीता, इन सबको तो नुकसान पहुंचाता ही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पौधा एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है? ठीक है, एनाकार्डियेसी फैमिली से कौन सा फल है इसमें जो बिलोंग करता है? संतरा है, पपीता है, काजू है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि काजू जो है ये एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एक और फैमिली याद रखेंगे आम, आम की फैमिली भी एनाकार्डियेसी, आम काजू दोनों की फैमिली एनाकार्डियेसी होती है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ और भी फैमिलियों के नाम। यहाँ देखेंगे दोस्तों एनाकार्डियेसी फैमिली से आम और काजू बिलोंग करते हैं। रुटेशी फैमिली के अंतर्गत संतरा आ जाएगा, नींबू आ जाएगा, चकोतरा याद रखेंगे, मौसमी याद रखेंगे, बेल याद रखेंगे, ये सब रोटेशी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। कैरिकेसी के अंतर्गत याद रखेंगे पपीता। रोजेसी फैमिली में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, जैसे सेब आ जाएगा, नाशपाती आ जाएगा, आड़ू आ जाएगा, आलूचा आ जाएगा, चेरी आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, और बादाम आ जाएगा, और गुलाब तो है ही है।
ठीक है। उसके बाद विटेशी की बात करेंगे, विटेशी के अंदर अंगूर की अंगूर आ जाएगा, ठीक है, इस परिवार विटेसी फैमिली में अंगूर आ जाएगा। तो ये सब फैमिलियाँ याद रखेंगे कौन सा फल किस फैमिली के अंतर्गत आता है, और उनका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है अगर एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेड डेलेसियस प्रजाति है, सेब की है, अमरूद की है, आम की है या पपीता की है। तो रेड डेलेसियस काफ़ी फेमस वेरायटी है दोस्तों, ये हो जाएगी किसकी वेरायटी है, ये सेब की वेरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेब की और भी कुछ वेराइटियाँ जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, रेड डेलेसियस, गोल्डन डेलेसियस, विंटर बनाना, बहुत बार एग्जाम पूछता है विंटर बनाना किसकी वेराइटियाँ हैं, तो आप लोग लगा के आते हैं गलत की बनाना की वेराइटी, बनाना की वेराइटी नहीं है, कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन रहता है ये, विंटर बनाना एक प्रकार की सेब की वेराइटी है। रोम ब्यूटी पूछता है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। अमरूद की कुछ वेराइटियाँ हैं जैसे इलाहाबादी सफेदा याद रखेंगे, लखनऊ 49 जिसको सरदार के नाम से जानते हैं, बनारसी सुर्ख, ठीक है, ये भी अमरूद की ही वेरायटी है। आम में याद रखेंगे लंगड़ा, दशहरी, नीलम, तोतापरी, बम्बई हरा, ठीक है, ये सब वेरायटियाँ याद रखेंगे मैंगो के अंदर। पपीता में याद रखेंगे पूसा डेलेसियस और पूसा मेजेस्टी और पूसा नन्ना, पूसा नन्ना सबसे बॉनी वेरायटी है पपीता की, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नीलम एक प्रजाति है, पपीता की है, आम की है, अंगूर की है या सेब की है। तो काफ़ी फेमस वैरायटी है नीलम, नीलम एक प्रकार की मैंगो की वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह एक प्रकार की नीलम जो वैरायटी है दक्षिणी भारत के लिए, ठीक है, देर से पकने वाली वैरायटी है। ये भी एग्जाम पूछा गया है कि देर से भारत के दक्षिणी भारत में देर से पकने वाली वैरायटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी नीलम, ठीक है, याद रखना। और यह जो किस्म होती है ये लंबे यातायात के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पपीते की गायनोडाइसियस प्रजाति से उत्पन्न होता है। तो पपीते की जो गायनोडाइसियस प्रजाति है इससे क्या उत्पन्न होते हैं, केवल नर उत्पन्न होते हैं, केवल मादा उत्पन्न होती हैं, या मादा और उभयलिंगी दोनों उत्पन्न होते हैं, या नर और उभयलिंगी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गायनोडाइसियस से मादा और उभयलिंगी उत्पन्न होते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे डायोसियस की बात करें, अगर डायोसियस पूछे तो डायोसियस के अंदर नर तथा मादा फूल अलग अलग पौधे पर बनते हैं तो उसको हम डायोसियस कहेंगे। मोनोसियस की बात करेंगे, नर तथा मादा फूल एक ही पौधे पर बनते हैं उसको मोनोसियस कहेंगे। कोयम्बटूर 7 जो है एक किसकी वैरायटी है, तो ये पपीते की वैरायटी हो जाएगी, आपको याद रखना है। तो पपीते की एक गायनोडायोसियस प्रजाति है, ठीक है, एक प्रकार की कोयम्बटूर 7 गायनोडायोसियस वैरायटी है पपीते की, और जिसे हम पपेन उत्पादन तथा फलों के उत्पादन के लिए इसको लगाते हैं, ठीक है, पपेन प्राप्त करना है या फल अच्छा प्राप्त करना है तो उसके लिए कोयम्बटूर 7 वैरायटी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, मादा मैंगो लीफ हॉपर अपने अंडे कहाँ देती हैं, ठीक है तो ये मैंगो का इंपॉर्टेंट कीट, लेकिन ये अपने पूछा ये अंडे कहाँ पर देती हैं, पत्ती के ऊपरी सतह पर, पत्ती के निचली सतह पर, पत्ती के मध्य सिरा के अंदर, या पत्ती के किनारे के ऊतकों के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी ऑप्शन, ठीक है, पत्ती के निचली सतह पर देगा ये, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है, आम के पेड़ों में यह कीट फरवरी के महीने में दिखाई देता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब दिखाई देता है, फरवरी के महीने में दिखाई देता है। उसी समय मादा कीट मैथुन की क्रिया करती है जो 3 दिन बाद पत्तियों के किनारे पर सतह पर बाह्य त्वचा में अंडरोपण धंसा कर अंडे देती हैं, ठीक है। मादा कीट अपने जीवन काल में लगभग 200 अंडे देती हैं, ये भी आप याद रखेंगे, एंटोमोलॉजी के लिए दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मादा कीट अपने जीवन काल में जो मैंगो लीफ हॉपर है कितने अंडे देती हैं, 200 अंडे देती हैं, ठीक है। इसका प्रभाव कब पड़ता है, फरवरी के महीने में ये अपने अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, पपीते की कौन सी प्रजाति में सबसे अधिक पपेन मिलता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, पपीते की कौन सी प्रजाति जो सबसे अधिक पपेन मिलता है। ऑप्शन देखेंगे पूसा डेलेसियस, पूसा मेजेस्टी, पूसा ज्वाइंट या पूसा ड्वार्फ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पूसा मेजेस्टी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर CO5 दे तो ये भी पपेन उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है, कोयम्बटूर 5 ये इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पर पूसा मेजेस्टी दे रखा है, ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इनार्चिंग विधि से किस फल का प्रवर्धन किया जाता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इनार्चिंग विधि से किस फल का प्रवर्धन करते हैं? आम अमरूद का करते हैं, या आम अंगूर का करते हैं, या अमरूद लीची करते हैं, या अमरूद और फालसा का करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि आम और अमरूद का प्रवर्धन इनार्चिंग विधि से हम कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पर। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मखदूम किसकी प्रजाति है? काजू की है, छुआरा की है, अखरोट की है, या नारियल की है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तो मखदूम जो एक प्रकार की वैरायटी है, ये काजू की वैरायटी हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जिसका प्रयोग हम सूखे मेवे के रूप में करते हैं। काजू की और भी वैरायटियाँ हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे चिंतामणि काफ़ी फेमस वैरायटी है, ठीक है, उल्लास वन और मखदूम, प्रियंका जिसको यच 1591 के नाम से इसको जानते हैं, कनका यच 1598, वेंगुरुला ये भी वैरायटी है, VRI VPP, ठीक है, ये सब वैरायटियाँ किसकी हैं? काजू की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी प्रजाति संकर नहीं है? इसमें संकर वैरायटी नहीं है ये आपको बताना है। मलिका, रत्ना, अर्कापुनीत, दशहरी, तो ये सब जितनी वैरायटियाँ देख रहे हैं ये सब आम की वैरायटियाँ हैं, तो इसमें से बताना कौन सी वैरायटी संकर वैरायटी नहीं है। तो यहाँ पर जो संकर वैरायटी नहीं होगी वो दशहरी, ठीक है, दशहरी एक प्रकार की संकर वैरायटी नहीं है, बाकी रत्ना, मलिका, अर्कापुनीत ये सब के सब संकर वैरायटी हैं। मलिका की बात करें किसके किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे नीलम और दशहरी के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। रत्ना की बात करेंगे तो नीलम अल्फांसो के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। अर्कापुनीत जो है अल्फांसो और बगनपल्ली के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरूद लगाने की औसत दूरी कितनी रखते हैं? पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं अमरूद लगाने के लिए? 5x5 मीटर, 6x6 मीटर, 8x8 मीटर, या 10x10 मीटर? 10x10 मीटर जो होते हैं बड़े पौधे, जैसे अखरोट हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, ठीक है, इन सब पौधों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6x6 मीटर पर लगाते हैं अमरूद को, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे अमरूद अगर लगाना है तो 6x6 मीटर पर लगाएंगे, आम अखरोट लगाना है तो 10x10 मीटर पर लगाएंगे, अंगूर लगाना है तो 3x3 मीटर पर लगाएंगे, अनार और अंजीर 5x5 पर, आंवला है 8x8 पर, तो ये सब डिस्टेंस आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आम्रपाली क्रॉस है, आम्रपाली का क्रॉस बताना है किसके किसके बीच में हुआ है। बहुत बार आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, आम्रपाली का जो क्रॉस है वो है दशहरी क्रॉस नीलम, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रॉस आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर का आप एग्जाम दे रहे हैं तो इससे रिलेटिव एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं, उससे पहले और भी क्रॉस है मैंगो के, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे दशहरी क्रॉस नीलम आम्रपाली, नीलम क्रॉस दशहरी मलिका, नीलम क्रॉस अल्फांसो रत्ना, और रत्ना क्रॉस अल्फांसो ये हो जाएगा सिंधु, जिसको हम सीडलेस वैरायटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52, लीची का उत्पत्ति स्थल बताना है कहाँ पर माना गया, भारत माना गया, फिलीपींस, चीन, या बर्मा? तो लीची का जो उत्पत्ति स्थान माना गया है वो माना गया है दोस्तों चीन माना गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बॉटनिकल नेम और इसकी फैमिली भी याद रखेंगे, बॉटनिकल नेम हो जाता है इसका लीची चाइनेंसिस, ठीक है, लीची चाइनेंसिस बॉटनिकल नेम हो गया। इसकी फैमिली पूछे तो स्पेंडिएसी इसकी फैमिली होती है, स्पेंडिएसी इसकी फैमिली होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। केला की फसल के लिए उत्तम तापक्रम क्या होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 या 21.5 या 26.5? केला की फसल के लिए उत्तम टेम्परेचर पूछ रहा, सबसे अच्छा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। तो केला जो है एक प्रकार का उष्ण जलवायु का पौधा है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नरेंद्र आंवला 6 प्रजाति किसके चयन से विकसित की गई है, चकिया से, हाथी झूल, बनारसी, या नरेंद्र आंवला 4? ये जितनी भी वैरायटी चारों ऑप्शन देख रहे हैं ये सब आंवला की ही वैरायटियां हैं, तो इसमें से बताना है नरेंद्र आंवला 6 जो है किसके सिलेक्शन द्वारा तैयार की गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, चकिया।
ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नरेंद्र आंवला 6 जो है, नरेंद्र आंवला 4, ये चकिया किस्म के चयन से प्राप्त किया गया है। ठीक है, चकिया किस्म के सिलेक्शन द्वारा तैयार किया गया है। नरेंद्र आंवला 6 जो है ये कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त है। पूछ सकता है एग्जाम में कैंडी बनाने के लिए आंवले की सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है, तो नरेंद्र आंवला 6 हो जाएगा। नरेंद्र आंवला 7 की बात करें, जिसको अमृत के नाम से जानते हैं, इसे फ्रांसिस एक वैरायटी है, उसके द्वारा सिलेक्शन करके इसको तैयार किया गया। NA9 जिसको हम नीलम के नाम से जानते हैं, ये बनारसी जो वैरायटी है उससे सिलेक्शन करके तैयार किया गया है। NA5 जिसको हम कृष्णा के नाम से जानते हैं, ये बनारसी के चयन से ही प्राप्त की गई ये भी वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान बताना है, कौन सा है, द्वितीय है, प्रथम है, तृतीय है या पंचम है। तो दूसरा स्थान है अमरूद उत्पादन में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत संसार का सर्वाधिक उत्पादक यहाँ देखें भारत जो है संसार का सर्वाधिक अमरूद उत्पादक राष्ट्र है। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अमरूद उत्पादन भारत करता है। भारत में अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन जो है झारखंड करता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश करता है। आप लोग नया डाटा एक बार मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुख्य यहाँ देखेंगे सेब मुख्यतः उपजाया जाता है, तो बीजों द्वारा लगाते हैं, कटिंग द्वारा या संस्त्रीकरण या कलम द्वारा। तो सेब मुख्यतः उगाया जाता है या उपजाया जाता है, किसके द्वारा उगाया जाता है, प्रोपोगेशन के मेथड इसमें बताना है। यहाँ पर कलम द्वारा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कलम द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सेब जो है एक ठंडे जलवायु की फसल है, पौधा है। इसका वनस्पतिक नाम पूछ सकता है मेलस पुमिला, इसका बॉटनिकल नेम होता है। ये इसकी फैमिली जो होती है रोजेसी होती है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो क्रोमोजोम संख्या 34 होता है। ठीक है, तो इसके और भी प्रसारण की विधियाँ जैसे जीव कलिकान स्टूलिंग द्वारा, ठीक है, चश्मा ढाल चश्मा, ये सब प्रवर्धन की विधियाँ हैं। और लगाने के इसकी डिस्टेंस 12x12 मीटर दे रखा है। ठीक है, आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करिए। कल फिर यही हमारा टॉपिक चलेगा फल विज्ञान वाला। ठीक है, फलों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम 200-250 क्वेश्चन हैं जो कि TA के एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे फलों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो कल फिर फलों की खेती को लेकर आएंगे। इसके 56 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए, 57 से कल स्टार्ट करेंगे, 50-60 क्वेश्चनों को कल भी करवा दिया जाएगा। तो कल फिर ज़रूर मिलिएगा 8 बजे रात को। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।